एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन फूड एंड फ्लेवर्स। मैं अनीता शर्मा आज फिर आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है नंदरू की चखनी। तो चलिए आज मैं आपको नंदरू की चखनी बनाना सिखाती हूँ। नंदरू में जो मसाले यूज़ किए जाते हैं पहले मैं उनके बारे में बताऊँगी। मैंने मोटी इलायची ली हुई है, हरी इलायची ली हुई है मैंने, साथ में लौंग लिए हुए हैं, तेज़पत्ता लिया हुआ है, धड़ा मिर्च ली हुई है, कश्मीरी लाल मिर्च ली है, नमक लिया हुआ है, हींग लिया हुआ है मैंने सौंफ पाउडर लिया हुआ है, धनिया पाउडर लिया है मैंने, ज़ीरा पाउडर लिया हुआ है मैंने, दालचीनी पाउडर लिया है मैंने और मैंने सुन पाउडर लिया हुआ है। ये सब मसाले यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैंने कोई 500 ग्राम नंदरू लिए थे, मैंने अच्छी तरह से धो के इनको काट लिया हुआ है। अब हम इसको कुकर में डालेंगे नंदरू को। अब मैं इसमें कोई 1 स्पून इसमें मैं ये सौंफ पाउडर डालूंगी, 2 छोटे स्पून मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डालूंगी, 1 गिलास में इसमें पानी ऐड करूंगी। अब हम इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। कुकर को बंद करके हम गैस पे हाई फ्लेम पे ही रखेंगे और 2 विसल ही लगाएंगे इसको। नंदरू हमारे बॉयल हो चुके हैं, अब हमने इनको बाहर निकाल दिया हुआ है, पानी से बाहर निकाल दिया हमने इसको। अब हम इनको फ्राई करेंगे। मैंने कढ़ाई को गैस पे मीडियम आंच पे ही रखा हुआ है। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, सभी नंदरू डालेंगे इसमें और नंदरू को हम फ्राई करेंगे। अब कोई 10 मिनट के लिए हम नंदरू को फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। आप चाहे तो मीडियम आंच पे भी फ्राई कर सकते हैं या फिर हाई फ्लेम पे भी कर सकते हैं। हमारे नंदरू फ्राई हो चुके हैं, तो ब्राउन ब्राउन हो गए हैं ये। हम सभी नंदरू को बाहर निकाल लेंगे। ये हमने सभी नंदरू को बाहर निकाल लिया। अब मैंने कोई 500 ग्राम दही लिया हुआ है। अब दही को हम अच्छी तरह से हिलाएंगे, इसको अच्छी तरह से इसे गोल बनाएंगे। अब मैं इसमें कोई 1 कप पानी ऐड करूंगी। अच्छी तरह से हिलाएंगे इनको हम। अब मैं इनमें मसाले डालूंगी। सबसे पहले मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी कोई 1/2 स्पून। अब मैं इसमें दड़ा मिर्च डालूंगी 1/2 स्पून से भी कम, क्योंकि बहुत तेज़ होती है। अब मैं इसमें कोई 1 स्पून नमक डालूंगी। अब हम इसमें 1 स्पून सौंफ पाउडर डालेंगे। हाफ स्पून हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे। हाफ स्पून ही हम धनिया पाउडर डालेंगे। हाफ स्पून ही हम दालचीनी पाउडर डालेंगे। 1/2 स्पून ही हम कोई सुन पाउडर डालेंगे।
आप स्पून से भी थोड़ा कम कर लो। अब हम इसके अच्छी तरह से घोल बनाएंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से इसको। घोल हमारा तैयार हो गया हुआ है। मैंने कढ़ाई गैस पे रख दी है, मीडियम आंच पे ही रखा हुआ है मैंने। अब मैं सबसे पहले मैंने इसमें हींग डाली है। अब मैं इसमें तेज पत्ता डालूंगी। मैंने मोटी इलायची, हरी इलायची और लौंग को मैंने दरदरा पीस लिया था, अब मैं वो डालूंगी इसमें। इसको हिलाएंगे अब हम। अब मैंने जो दही का घोल बनाया हुआ था अब वो डालेंगे हम इसमें। अब हम इसको हिलाएंगे कि जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। हिलाएंगे हम इसलिए ताकि हमारा दही फट ना जाए, उबाल आने तक हम इसको हिलाते रहेंगे। उबाल आ गया है, ये देखिए हमने जो नंदू फ्राई किए हुए थे अब वो डालेंगे इसमें थोड़े थोड़े करके। ये खाने में बड़ी टेस्टी होती है। अब हम कोई 20-25 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पे ही पकाएंगे। मैंने कोई 2 स्पून छोटे इसमें घी डाला है, देसी घी डाला है मैंने घर का ही। अब हम इसको पकने देंगे कोई 20-25 मिनट के लिए। चखनी को खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। इसे चपाती के साथ या चावल के साथ खाया जाता है। चखनी हमारी तैयार है। जम्मू में भी ये रेसिपी खाने में बहुत पसंद की जाती है। अगर आपको मेरी ये नंदरू की चखनी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।